अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ वेनेला स्पॉन्ज केक। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये मैंने एक कप मैदा ली हूँ, आधा कप मैंने दूध ली हूँ, आधा टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप मैंने तेल ली हूँ, ये 2/3 कप मैंने पिसी हुई शक्कर ली हूँ और वेनिला एसेंस। ये मैंने 3 अंडे का वाइट हिस्सा अलग कर ली हूँ और येलो हिस्सा अलग कर ली हूँ। सबसे पहले वाइट हिस्से को मैं बीट कर लूँगी बीटर से। और इसमें थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में शक्कर डालूंगी, मतलब 2 से 3 चम्मच में इसमें बीट करने के टाइम पे शक्कर डाल दूंगी। एक बार मैंने पहले डाली हूँ शक्कर और एक बार और डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से बीट कर दूंगी एकदम फ्लफ़ी होने तक का। ये देखो दोबारा मैंने शक्कर डाल दी हूँ और इसको एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा, ये जैसे हम लोग क्रीम बीट करते हैं ना उस तरीके से हो जाएगा ये। ये देखिए अब इसमें मैं मेरा जो तेल है वो डाल दूंगी, 1/4 कप वेनिला एसेंस। इन सभी चीज़ों को भी मैं 1 मिनट तक का ही सिर्फ बीट करूंगी। अब इसके बाद मैं अंडे का येलो पार्ट है उसको डाल रही हूँ, मिक्स करके मैंने डाल दी हूँ इसमें और इसको भी 1 ही मिनट तक का सिर्फ मैं बीट करूँगी, ज़्यादा हमें बीट नहीं करना है। और अब मैं बीटर को हटा रही हूँ, हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब इसमें मैं छलनी के अंदर मैदा और बची हुई शक्कर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सारी चीज़ों को डाल के छान लूँगी और स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो। बैटर मेरा गाढ़ा लग रहा है, अब इसे इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से मैं तेल अरे सॉरी दूध डाल रही हूँ। जितना मुझे लगेगा उतना ही दूध डालूँगी, पूरा दूध नहीं जाएगा, 3 से 4 चम्मच ही दूध इसमें लगेगा और बैटर मेरा रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने अपने टिन को ग्रीस कर ली हूँ तेल से अच्छी तरीके से और बटर पेपर लगा ली हूँ। मैं इसके साइड में भी तेल लगा दूँगी और बटर पेपर इस तरीके से लगा दूँगी ताकि मेरा केक अगर ऊपर भी आए ना तो अच्छी तरीके से गोल शेप ही बना रहे, मेरे केक का शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। ये बैटर मेरा एकदम रेडी हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ। मैंने अपने कुकर को गरम करने रख दी हूँ, मैं इसे कुकर में ही बना रही हूँ। 5 मिनट तक का मैंने अपने कुकर को फ्री हीट कर ली हूँ और उसमें मैं को 50 मिनट तक का बेक करूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छा सा एकदम फ्लफी केक मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए एकदम क्लीन निकली है मेरी कांडी, तो ये बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। इसको पूरा टोटल बेक होने के लिए 50 मिनट लगा है। अब मैं बटर पेपर हटा के इसको आपको दिखाती हूँ ये कितना फ्लफी बना है, एकदम स्पॉन्जी कॉटन स्पॉन्ज के जैसा।
अब इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए, आप खुद देख सकते हो कितना स्पॉन्जी मेरा केक बना है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।